हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। सबसे पहले मैं सभी रीट 2021 की तैयारी करने वाले भाई बहनों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 45 दिन में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो करीब एक साल पहली बात हो गई। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कौन सी गाइड पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, उसी के अनुरूप आपने पढ़ा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं, अंतिम समय अब चल रहा है, आपको पता है केवल 15 दिन शेष हैं और हम कितनी भी मेहनत चाहे करें लेकिन जो लास्ट समय होता है उसमें हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं मित्रों। लेकिन आप सभी को यहाँ पर विचलित नहीं होना है। वह विचलन आता है सबसे बड़ा, जैसे कि आज के ज़माने हम देखते हैं कि जो मॉडल पेपर आते हैं हम उन मॉडल पेपर को हल करने में लग जाते हैं, जबकि जो आपने 2, 3, 4, 5 बार जितना भी रिवीजन किया है और अंतिम समय में आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जो आपने अंडरलाइन की है आपको विश्वास होता है कहीं ना कहीं कि हाँ, ये मैंने जो अंडरलाइन की है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये जैसे हम बात करें, कोई पेज होता है और उस पेज में हमने 7-8 अंडरलाइन की तो हमको एक आभास होता है कि हाँ आ सकता है। तो ऐसे समय में जो भी आपने इस तरह अंडरलाइन किए उन सभी का गहन अध्ययन करें, यानी उनको आप सरसरी निगाह से देखते चलें। तो 15 दिन के पीरियड में आप जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने किसी गाइड से पढ़ा हो, चाहे ऑथोरेंटिक बुक से पढ़ा हो, मेथड हो, मनोविज्ञान हो, सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, तो आपको सभी को इस तरह यहाँ पर लेना है। और मॉडल पेपर वगैरह आप बिल्कुल हल नहीं करें, जो हल करना है आपको पेपर में ही हल करना है, क्योंकि मॉडल पेपर के चक्कर में रहोगे तो आपका समय, जो ये कीमती समय है, यह बर्बाद हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आपको यह सूझबूझ से कार्य लेना है। तो यह जो वीडियो मैंने बनाया, काफ़ी भाई बहनों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे कि हम अंत समय में किस तरह तैयारी करें, तो जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। दोस्तों, आप भी इसको अत्यधिक शेयर कर सकते हैं जिससे काफ़ी भाई बहनों को यहाँ पे लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस रीट एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लेके आओ और आप सभी का जो सपना है वो पूरा हो। धन्यवाद।